नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी भोपाल की बड़ी खबर के साथ, जहां भोपाल में पकड़ी गई एमडी ड्रग्स का मामला सामने आया। फैक्ट्री मालिक एसके सिंह गिरफ्तार हुए हैं, पूर्व मालिक जयदीप भोपाल से बाहर है। पुलिस आरोपियों को तलाश भी रही है। तो भोपाल में एमडी ड्रग्स पकड़ी गई और इसका मामला जो है वो सामने आया है। बता दें आपको, पूर्व मालिक जयदीप भोपाल से पुलिस हालांकि आरोपी की तलाश जो है कर रही है। फैक्ट्री मालिक एसके सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। एमडी ड्रग्स का ये पूरा ही मामला जो कि भोपाल में पकड़ा गया, फैक्ट्री मालिक एसके सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं। इधर भोपाल में पकड़ी गई ड्रग्स फैक्ट्री के मामले में मंदसौर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है और आरोपी हरीश आंचना को गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपी एमडी ड्रग्स सप्लाई का काम करता था। इस मामले में गुजरात एटीएस और नारकोटिक्स ब्यूरो की सूचना मंदसौर पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं रतलाम रेंज डीआईजी भी मंदसौर पहुंचे। मामले पर आरोपी से पूछताछ की जा रही है। मामले में राजस्थान समेत कई राज्य के तस्करों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। ड्रग्स फैक्ट्री में हरीश आंचना तीसरा आरोपी है। तो भोपाल में पकड़ी गई ड्रग्स फैक्ट्री का मामला, तीसरा आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। उसको पहले विधिवत अभिरक्षा में लेकर गुजरात एटीएस से उसको सौंपा गया। साथ में उससे पूछताछ के दौरान जो है एक अन्य व्यक्ति जो है प्रेमसुख पाटीदार, उसका नाम सामने आया, जिसको उसने एमडी जो माल है वो सप्लाई करना बताया। इसके अलावा जो इस पूरे मामले में जो प्रीकर्सर केमिकल्स है, वो प्रीकर्सर केमिकल जैसे कि एसीटोन, एसीटिक एनहाइड्राइड, एचसीएल, ये जो ड्रग्स हैं या जो केमिकल्स हैं, ये जो गुजरात के वापी और जो और अहमदाबाद वहां से लाने पाए गए हैं। इस पूरे केस में जो सीमावर्ती राज्य राजस्थान के कुछ जो आरोपी हैं उनके भी नाम सामने आए हैं, तो मंदसौर पुलिस उनके खिलाफ भी लगातार कार्रवाई कर रही है। इसलिए मैंने बताया कि इस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसकी जमानत कैंसिलेशन के लिए हम न्यायालय तक गए थे, तो ऐसा ये नहीं कहा जा सकता इसकी विरुद्ध कार्रवाई नहीं, इसकी विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। डीएस आई थी, हमने से सहयोग मांगी थी और ये केमिकल जो है वापी वालसाड़ जिला जो गुजरात में है वहाँ से केमिकल आता था और मशीनरी की भी पूछताछ जो की जा रही है कि जो बनाने के उपकरण थे वो संभवतः महाराष्ट्र से आते थे। तो भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां भोपाल से ड्रग्स की एक बड़ी खेप जो है वो बरामद की गई है, जिसकी कीमत करीबन 1800 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये छापा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी और गुजरात एंटी टेररिस्ट के साथ ही ये कार्रवाई की गई है। इस ऑपरेशन में भोपाल के पास स्थित बगरोदा इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री पर छापेमारी की गई और इस दौरान ये बड़ा खुलासा हुआ, जहां बड़ी मात्रा में एमडी ड्रग्स बनाई जा रही थी। इस फैक्ट्री से ड्रग्स बनाने के जो उपकरण हैं और कच्चे माल भी कहीं ना कहीं बरामद किए गए हैं। इस दौरान हमने देखा कि कल तक दो आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था, आज एक आरोपी की फिर गिरफ्तारी हो चुकी है और इसके साथ ही आज तीसरा आरोपी भी गिरफ्तार हो चुका है। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे और बलवंत का रुख करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं बलवंत। हमने देखा कि कल भी दो आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुए थे, आज एक तीसरा आरोपी फिर गिरफ्तार हो गया है, हम सुबह जिक्र ही कर रहे थे बलवंत। बिल्कुल,
जो हरी राजना जो मंदसौर निवासी बसान जनता है उसको मंदसौर पुलिस को गिरफ्तार किया है। जेदा पुलिस गिरफ्तार किया था अकबर तमाम जो मध्य पुलिस के अलावा इसके अलावा नारकोटिक के ब्यूरो और एटीएस के अधिकारियों ने उसका गिरफ्तार की और अभी जो डीएनजी है उन्होंने घटना का खुलासा किया है। हालांकि कुछ अन्य लोगों के नाम भी पुलिस से जांच पे सामने आए हैं, उनके भी गठबंधन के पुलिस अलग अलग की तरह है। बलवंत, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि अन्य लोगों के नाम सामने आए हैं, कौन है वो लोग? देखिए, पुलिस ने अभी तक जो पीड़िता छुपी उसको पूरी तरह से गुप्त रूप से रखा है। जो नाम सामने आए हैं उसमें एकाक नाम को छोड़ दिया जाएगा, बाकी अन्य जो नाम है राजस्थान क्षेत्र के बताया जा रहा है। पुलिस सभी नामों को अभी गुप्त रख रहे कार्रवाई बैठी है। 1800 करोड़ की ड्रग्स से जुड़ा हुआ मामला है और मंदसौर जो है वो मादक पदार्थों का गढ़ कहा जाता है। ऐसे पता करते सामने आए सामान्यतः पुलिस अंदाजा लगा रही है कि कहीं ना कहीं और भी लोग हैं जो मंदसौर या मंदसौर के आसपास से गिरे हुए होंगे और जयपुर डिस्ट्रिक्ट को पुलिस हरी साहब ज्यादा पूछताछ करेगी और जो बातें सामने आएंगी उसके आधार पर पुलिस अन्य लोगों को भी गिरफ्तार करने के लिए प्रयास करेगी। बहराज भी तो पुलिस द्वारा हरी साहब का गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको एटीएफ और नारकोटिक से पीड़ित सुप्रत किया गया है। जी चलिए ठीक है, भोपाल से सहयोगी संजय हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। संजय, 1800 करोड़ एक बिग अमाउंट कहीं ना कहीं देखा जाए तो इतने करोड़ की ड्रग्स यहां पर बरामद की गई है, किस तरह से कार्रवाई की गई, किस तरह से खुलासा हुआ है? बिल्कुल काजल, देखा जाए तो ये भोपाल के लिए एक शर्मनाक बात है कि भोपाल में जो ये ड्रग्स माफिया है वो अपने पांव किस प्रकार से पसार रहे हैं। अगर देखा जाए तो जो इसकी शुरुआत हुई थी, शुरुआत तो इसे पुणे से माना जा रही है, पुणे से और फिर गुजरात से। जो एसटीएफ को और वहाँ के एनसीबी को जो टिप मिली थी कि जो वहाँ से आरोपी पकड़ा गया उसने ये बताया था कि भोपाल में ये माल बनता है और भोपाल में पहली बार अगर देखा जाए तो 1814 करोड़ का कहीं ना कहीं ड्रग पकड़ाना अपने आप में काफ़ी बड़ा एक अमाउंट और काफ़ी बड़ी घटना है। उसी को देखा जाए तो इसका जो टिप मिली कि भोपाल में इसकी फैक्ट्री बनती इसमें फैक्ट्री है तो उसको लेकर जब यहाँ पे कार्रवाई की गई तो यहाँ के पुलिस के साथ साथ सभी हक्के बक्के रह गए कि भोपाल में जो मात्र 2018 में एक जो इंडस्ट्रियल एरिया है जिसको बनना प्रारंभ हुआ था बगरोदा का जो बनकर 2017 में प्रारंभ किया है और 2022 में कंप्लीट हुआ, यानी 4 साल के अंदर वहाँ पर फैक्ट्री का निर्माण हुआ। और यह फैक्ट्री जो थी ये एक फैक्ट्री थी मेयर्स वस्तुकार प्रोपराइटर के नाम पे थी। इनके जो प्रोपराइटर थे वो जो मालिक थे पहले मालिक थे जयदीप सिंह, मूल रूप से थे और दो वर्ष बाद ही ये फैक्ट्री जो बेच दी गई थी। तो ये एपी सिंह जो एसके सिंह जो रिटायर्ड में बीएचएल से रिटायर्ड थे उन्हें ये बेच दी गई ये फैक्ट्री 2 वर्ष बाद ही। तो काजल देखिए आपकी एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें जिस प्रकार से 2000 में ही वहाँ की फैक्ट्री बिक रही है उसके बाद भी वहाँ पर जो इसकी देखरेख करने वाली जो संस्था है जो इन कंपनियों को देखती है उन्होंने लेकर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई या उनके पास ये सूचना तक नहीं थी कि एक फैक्ट्री का प्लांट वहाँ से बिक गया है। बाद में ये फैक्ट्री बंद होती है, 6 महीने बाद ये एसके सिंह इसको किसी को किराए पे दे देते हैं। किराए पे देने के बाद ये फैक्ट्री चालू होती है, 6 महीने के अंदर यहाँ पर इस प्रकार का इतना बड़ा कारोबार चलता है जिसकी भनक किसी को नहीं लगती है। पुलिस की बात की जाए तो पुलिस को भी ये भनक नहीं लगी थी क्योंकि वहाँ पर अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रियल एरिया की बात की जाए तो इंडस्ट्रियल एरिया में जिस प्रकार से फैक्ट्रियाँ हैं, जो बंद फैक्ट्रियाँ हैं उसको कभी जांचा नहीं जाता है, जो इसकी संस्था है वो कभी उद्योग विभाग इसको जाके देखता नहीं है कि कौन सी फैक्ट्री बंद है या कौन सी फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है या नहीं या सरकार को इससे कितना नुकसान हो रहा है। काजल, इस पे देखा जाए तो जो उद्योग विभाग के लोग हैं वो मात्र ऐसे में बैठे रहते हैं जब शिकायतें होती है कर्मचारियों की, छोटे कर्मचारियों की जरूर शिकायतों पर ध्यान देते हैं लेकिन जो बड़े लोग हैं जिनके फैक्ट्रियाँ दी गई है कि काम हो रहा है नहीं हो रहा उसके बारे में नहीं जानते। अगर काम जब वहाँ पे दिया गया था फर्नीचर के लिए या ये कहे वास्तुकार के लिए कि वहाँ पर वास्तु से संबंधित कोई चीज़ें बने, वहाँ पर ये ड्रग्स कैसे बनना प्रारंभ हुआ? अगर इसके ऊपर पहले से ही उद्योग विभाग इसके ऊपर कार्रवाई करता तो ये पहले ही भांडाफोड़ हो जाता और इतना बड़ा ड्रग्स का रैकेट भोपाल में नहीं पकड़ाता। जी बिल्कुल संजय, अगर बात करें आरोपियों की, जो आरोपी की अभी गिरफ्तारी हुई है
तीन आरोपी यहां पर पकड़ाए गए हैं, उनसे पूछताछ भी की जा रही है। अगर इनका हम पहले के रिकॉर्ड की बात करें तो ये पहले भी इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। अगर उस टाइम कड़ा एक्शन लिया जाता तो शायद जो आज का अमाउंट बढ़ता हुआ नजर आया उसमें कहीं ना कहीं कमी आती, क्या लगता है आपको? बिल्कुल काजल, अगर इस पर देखा जाए जिस प्रकार से जानकारी आ रही है कि जो दोनों मुख्य आरोपी जो है चतुर्वेदी और जो पुणे से पकड़ाए थे उनमें कहीं ना कहीं 6 महीने पहले ही उनको जेल से बाहर निकले थे, और जैसा जो पुणे के आरोपी हैं उनके ऊपर जो एटीएस, क्योंकि कई बार सूचना मिली थी एटीएस और अन्य जो विभाग थे नाइको टैक्स विभाग वगैरह इनके ऊपर नज़र रखे हुए थे, उसके बाद ही उसको गिरफ्तार किया गया। यानी 6 महीने के अंदर वो कहाँ कहाँ गया, कितनी टीमें कहाँ कहाँ गई, कहाँ कहाँ मिला है, उसके ऊपर नज़र रखी गई। लेकिन अब जाँच का विषय ये बन जाता है काजल कि इसमें से 6 महीने से जब यहाँ से अगर ये फैक्ट्री यहाँ पर काम कर रही थी, जब से किराए पे लिया था उसके बाद जब यहाँ पे काम कर रही थी, तो इसने कितनी और ड्रग्स बनाई होगी, कहाँ कहाँ सप्लाई की होगी, किस किस को दी होगी, क्या मध्य प्रदेश में इसको, जैसे अभी हमारे भाई ने बताया कि मंदसौर में भी इसकी सप्लाई हुए थी, तो मंदसौर में सप्लाई कहाँ से हुई, तो ये सारी चीज़ें एक जाँच का विषय हो गया है। अब क्या भोपाल इन जो ड्रग्स के कारोबारी है उनका अड्डा बनने की तैयारी में था, या यहाँ सर हम देखते आए हैं कि इससे पहले हमने देखा जितनी मल्टी सिटीज़ हैं, चाहे पुणे की बात कर ली जाए, मुंबई की बात कर ली जाए, हैदराबाद की बात, जितनी भी बड़ी सिटियाँ हैं वहाँ पर हमने बड़ी पार्टियों में हमेशा ये देखा है कि वहाँ पर MD का उपयोग अधिकतर लोग पकड़ाए हैं और कई बड़े बड़े नाम सामने आए थे। लेकिन भोपाल में इसको लेकर इससे पहले की बात करूं तो इससे पहले जब हमने देखा था तो 2 लोग पकड़ाए थे, लेकिन वो नशे के MD को लेकर इंदौर में पकड़ाए थे, लेकिन कहां से उपयोग होती थी, कहां से आती थी, इसकी छानबीन नहीं हो पाई थी और उसकी जानकारी भी नहीं लगी थी। लेकिन अगर जिस प्रकार से भोपाल की जो फैक्ट्री पकड़ाई है, कहीं ये भोपाल की फैक्ट्री ही इंदौर और भोपाल के आसपास तो इसे सप्लाई नहीं करती थी। अब इसका भी एक विषय बन गया है कि क्योंकि नशा जो है MD का नशा जो है अपने आप में काफ़ी महंगा नशा माना जाता है, और इसको ज़्यादातर अगर देखा जाए स्टूडेंट्स, एक एज के जो स्टूडेंट्स होते हैं, युवा इसको सबसे ज़्यादा नशे में उपयोग करते हैं, और अगर इसको कहीं जोड़ा जाए कोई भी सांस्कृतिक प्रोग्राम हो या कॉलेजेस के प्रोग्राम हो तो उसमें भी इसका उपयोग होता था। कई बार अभी हमने कुछ पहले ही देखा था कि MSCT के एक छात्र ने आत्महत्या की थी, जब उसके पिताजी ने भी आरोप लगाया था कि MSCT में भी ड्रग्स का कारोबार होता है, वहाँ पे भी मिलता है, तब भी पुलिस ने इसके ऊपर जांच नहीं की। लेकिन कहीं ना कहीं जो हम कह सकते हैं दोनों एजेंसियाँ ATS ने और NCB ने जो जांच करी है उसके बाद अगर ये भांडाफोड़ हुआ है तो अपने आप में भोपाल पुलिस के लिए काफ़ी दिक्कत वाला बात है कि वहाँ पर इस इतनी बड़ी फैक्ट्री चलने के बाद भी उसकी जाँच या उसके बारे में जानकारी नहीं होना कहीं ना कहीं भोपाल के लिए काफी निराशाजनक बात है। जी ठीक है, बिल्कुल। बलवंत, क्या लगता है कहाँ चूक नजर आ रही है? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो ड्रग्स तस्कर हैं उनके कहीं ना कहीं दिन पर दिन इस तरह के हौसले जो हैं वो बुलंद होते जा रहे हैं, कार्रवाई कम होने की जगह हम देख रहे हैं कि ज्यादा रैकेट्स की कार्रवाई यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। तस्करी के सामने आ चुकी है, जिसमें कई अन्य जिलों की पुलिस ने भी यहाँ के तस्करों को पकड़ा है, ताकि स्थानीय पुलिस भी लगातार समय समय पर कार्रवाई करती है, लेकिन कहीं ना कहीं तस्करी को रोक पाना पुलिस के लिए संभव नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो सिंडिकेट नजर आ रहे हैं जो बड़े बड़े रैकेट पकड़े जा रहे हैं उसमें भी मंदसौर से तार जुड़े हुए था, और यहाँ से मादक पदार्थों की सप्लाई होना कहीं ना कहीं बड़ा सवाल पुलिस के ऊपर भी खड़ा करता है। लेकिन जो भोपाल जो फैक्ट्री मामले में जो आरोपी पकड़ा है उसके बारे में भी आपको बता दूं कि उसके ऊपर 4 प्रकरण चीजों में यहाँ पे MBBS में दर्ज है, और ग्वालियर सहित मंदसौर के अलग अलग थानों में उसके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज है, और पुलिस लगातार उसको मॉनिटरिंग कर रही थी। उसके बावजूद भी इस तरह के सिंडिकेट को उसका शामिल होना और इतनी बड़ी फैक्ट्री और उसमें शामिल होकर बड़े स्तर पर ड्रग्स का सप्लाई करना कहीं ना कहीं किसी प्रकार का सवाल खड़े करते हैं। चलिए ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बलवंत आपका भी, संजय आपका भी, हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, ड्रग सप्लाई का काम करता था आरोपी, आज तीसरा आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ड्रग्स फैक्ट्री में हरीश अंजना तीसरा आरोपी है जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।